नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। भारत पाक शांति प्रयासों के बीच पठानकोट हमले ने सबको चौंकाया है। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, मोदी अचानक पाकिस्तान जाते हैं, नवाज शरीफ फिर कहते हैं कि दुश्मनी बुलाने का सही समय है, और फिर अचानक पठानकोट हमला होता है, क्या सोचते हैं? जरा जी, एक तो हम साल 2016 की पहली वेब वार्ता कर रहे हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि साल 2016 में हमने बस प्रवेश किया ही है। 1 जनवरी को लोगों ने नए साल का जश्न पूरा मनाया भी नहीं कि 1 और 2 जनवरी की दरमियानी रात को इतना बड़ा हमला पंजाब के पठानकोट में हो जाना। उस पठानकोट में, जो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर भारतीय वायुसेना का एक बड़ा अड्डा है, भारत के जो मिग हवाई जहाज हैं उनका रखरखाव देखभाल और वहीं से उनको चलाया भी जाता है, तो मुझे लगता है कि नए साल का ये जो आगाज हुआ है इतने बड़े आतंकवादी हमले से हुआ है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छी बात ये जरूर है कि आतंकवादियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और उनको समय रहते काबू में कर लिया गया। निश्चित तौर पर ये 2-3 घटनाओं की एक साथ तार इसमें जुड़ते हैं। एक तो एक दिन पहले ही जब SP का वाहन छीना गया, दूसरी घटना ये है कि गुरदासपुर में जो हमला हुआ था वहाँ जम्मू से आतंकवादी आए थे और उसमें से एक को हमने पकड़ा भी था, और ये सारे तार एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि इस घटना को अभी सीधे सीधे मोदी जी जो गए थे, अचानक लाहौर पहुंच गए थे, मियां नवाज शरीफ को उन्होंने जन्मदिन की बधाई भी दी थी और वो अचानक पहुंचे थे, इसलिए वो यात्रा चर्चा में भी बहुत रही, केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा में रही। और तब भी ये माना जा रहा था कि क्या इस तरह से जाने से, मिलने से, उनके घर चले गए, उनकी नातिन को शादी की बधाई दी, भेंट दी, तो दरअसल तभी ये शक होने लगा था कि क्या बाद में आगे जाकर जिस तरह, क्योंकि इसकी ठोस वजह है। देखिए, बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान गए थे, दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें हुई थी, कस्में खाई गई थी, रस्में निभाई गई थी, और उसके तुरंत बाद कारगिल हुआ, तो लोग ये मान रहे थे कि क्या उसी तरह फिर से पीठ में छुरा भोंका जाएगा, और ये पठानकोट की घटना हुई है। तो इसलिए सवाल गलत नहीं है, सवाल सही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस वक्त भी नवाज शरीफ केवल कठपुतली की तरह सारे मामले को ताकते रह गए थे और परवेज मुशर्रफ ने सारा खेल को अंजाम दे दिया था। उसी तरह अभी बात सामने आई कि शायद जैश मोहम्मद के आतंकवादी थे, जो भी, मेरा मानना यह है कि इसमें सीधा सीधा नवाज शरीफ का या पाकिस्तान की सरकार का हाथ होगा ये मानना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन पाकिस्तान सरकार दरअसल केवल नवाज शरीफ से नहीं बनी है, पाकिस्तान की सरकार में भी ऐसे तत्व हैं, और खासतौर पर सेना, ISI और आतंकवादियों की जो सांठगांठ है, क्योंकि अभी लगातार हिंदुस्तान में भी ISI के बहुत सारे हमने ऐसे लोगों को पकड़ा है जो ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। खासतौर पर अभी हाल ही में जिसको पकड़ा गया है वो तो इंडियन एयरफोर्स में ही काम करने वाला एक आदमी था और वायुसेना का कर्मचारी होने के बावजूद उसको एक हनी ट्रैप, जिसको कहते हैं, एक लड़की के द्वारा बातचीत के जरिए इंटरनेट की फंसाया गया और वो हमारे यहाँ की गोपनीय सूचनाएं पहुंचा रहा था, तो हो सकता है उन्हीं गोपनीय सूचनाओं का इस्तेमाल करके इस हमले को अंजाम दिया गया हो। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है साल का आगाज इस तरह की आतंकवादी घटने से होना, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसको समय रहते काबू कर लिया गया। इसी महीने भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तरीय बातचीत होने वाली है, कहीं ये बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश तो नहीं है? निश्चित तौर पर वो भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या उस बातचीत को धक्का पहुंचाने के लिए, और अभी अभी मोदी और नवाज शरीफ के बीच में जो बातचीत हुई है उसको भी बेपटरी करने के लिए ये सब आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब कम से कम भारत पाकिस्तान को ये रुख अपना लेना चाहिए कि वो लोग जो दहशतगर्दी के जरिए शांति प्रस्तावों को, इस तरह की शांति की बातचीत को हाशिए पर ढकेलना चाहते हैं, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जो लोग चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान कभी भी तरक्की की राह पर, शांति और अमन की राह पर आगे नहीं बढ़े, कुछ लोगों का फायदा ही इस बात में कि भारत और पाकिस्तान लड़ते रहें, झगड़ते रहें, हथियारों की, बारूद की फैक्ट्रियां यहां पर चलती रहें, और इन लोगों के बीच में जो बढ़ता वैमनस्य है वो कुछ लोगों के लिए व्यापार, कारोबार और उनकी सफलता, तथाकथित जो सफलता है उसके लिए जरूरी है, और वो चाहते हैं कि उनका कारोबार चले, इसलिए इन दोनों मुल्कों में इस तरह की दहशतगर्दी पनपती रहे। उनको जवाब देने के लिए जरूरी है कि अब अमन का रास्ता हम ना छोड़ें। जयदीप जी, एक जानकारी यह भी सामने आ रही है कि ISI और बब्बर खालसा की बैठक हुई थी हाल ही में, तो कहीं ये पंजाब में फिर से आतंकवाद को भड़काने की कोशिश तो नहीं है? जैसा कि मैंने शुरू में कहा, गुरदासपुर में जो हमला हुआ था कुछ समय पहले, उसके बाद अब पठानकोट में होता है और ये सारे आतंकवादी जम्मू कश्मीर के रास्ते आना बताया जा रहा है, तो ये खुफिया सूत्रों से सूचना शुरू से आ रही थी कि एक बार फिर पंजाब में आतंकवाद को सुलगाने की कोशिशें की जा रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वो जितना चाहते हैं उतना उपद्रव हो नहीं पा रहा। जम्मू कश्मीर में अब भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन के साथ सरकार में शामिल है, तो किसी न किसी तरीके से वहां पर उस दबाव ज्यादा है। ये
लगातार बात सामने आ रही कि जिस तरह पहले हिंदुस्तान के कई राज्यों में आतंकवाद की आग सुलगती थी, उससे भारत सरकार के लिए हमेशा सिरदर्द बना रहता था कि वो कहां के आतंकवाद पर ज्यादा ध्यान दे और किसको काबू में पहले करे, और वो चाहते हैं कि इसी तरह का सिरदर्द हिंदुस्तान में फिर से सिर उठाए, और वो चाहते हैं कि एक नहीं कई ऐसे राज्य हों हिंदुस्तान में जहां पर आतंकवाद के जरिए हिंदुस्तान को परेशान करने की कोशिश हो, और पंजाब उस नक्शे में सबसे पहले स्थान पर है कि उसको फिर से आतंकवाद की आग में झोंका जाए। इन प्रयासों को लगातार सतर्क रहकर ही नाकाम किया जा सकता है कि पंजाब पहले से ही वहां के युवाओं के नशे के गिरफ्त में आने से परेशान है, पंजाब की नसें खोखली हो चुकी है, पंजाब के युवा जो अपने शक्ति सामर्थ्य और बल के लिए जाने जाते थे वो अब नशे के गर्त में जाकर पहले ही बड़े दुर्बल हो चुके हैं, और उसी पंजाब में जब एक बार फिर आतंकवाद सिर उठाएगा तो निश्चित तौर पर हमारा ये खुशहाल राज्य जो बहुत लंबे समय से कम आतंकवाद से तो बचा हुआ है वो आतंकवाद से दूर रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम सतर्क बने। ये बातें भी आज सामने आई है कि पहले से थोड़ी सूचना थी, जानकारी थी, इसलिए वहां पर एनएसए के कमांडोज को पहले से तैनात किया गया था, लेकिन अगर जानकारी पहले से थी ही तो क्या ये संभव नहीं था कि ये जो आतंकवादी वहां तक पहुंच पर कम इतनी गोलीबारी कर पाए, इतना हमला कर पाए, उसके पहले उनको पकड़ लिया जाता। हमारी ज्यादा बड़ी कामयाबी इस बात में होती कि हम ये हमला होने ही नहीं देते, हमला होने की तैयारी थी और हमने उनको जवाबी हमला करके रोक दिया। ये निश्चित तौर पर बेहतर स्थिति है, उस स्थिति से तो काफी बेहतर है जहां वो आतंकवादी अंदर घुसकर हमारे हवाई अड्डे को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे, बहुत बड़ा खतरा था, हमारे वायुसेना के अधिकारियों को मार सकते थे, इस सब से बचा गया, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हमला होने से पहले इनको पकड़ लिया जाता तो वो ज्यादा बड़ी सफलता होती। मुझे लगता है कि इस हमले के जरिए जो पगड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ के को भेंट के तौर पर दी थी और उन्होंने अपने सिर पर सजाई थी, आतंकवादियों ने दरअसल उस पगड़ी को पठानकोट में उछालने की कोशिश की। यदि जी, चूंकि आतंकवादियों के तार पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में यह माना जाए कि पाकिस्तान जो है भारत की सद्भावना को कमजोरी मानता हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो परिभाषा आ रही है ना, उसमें सवाल यह है कि पाकिस्तान जब आप कहते हैं तो पाकिस्तान किसको कहते हैं? क्या पाकिस्तान की सरकार अकेली पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर पा रही है? पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व क्या ISI करती है? पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व क्या सेना करती है? या पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व वो हाफिज सईद जैसे लोग करते हैं जो लगातार भारत के खिलाफ? ये बात ठीक है कि पाकिस्तान की सरकार को इन सब को लेकर जितना कठोर होना चाहिए था वो नहीं हो पा रही। उसका कारण ही ये है कि ये सरकार इन सारी ताकतों के सामने लाचार नजर आती है, और जहां पाकिस्तान की सरकार खुद उन पर काबू नहीं कर पा रही, तो हमें ये उम्मीद करना कि हम यहां से सीधे या ISI वाले अपनी तरह से राह में सुधर जाएंगे, ये संभव नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की इसमें मंशा है, तो अब हमें पाकिस्तान की उन ताकतों को अलग करना होगा जो भारत में लगातार दहशत फैलाना चाहती है, और कुछ वो लोग हैं जो पाकिस्तान में भी रहकर भी अमन चाहते हैं, हिंदुस्तान के बारे में बेहतर सोच रखते हैं, उन लोगों को प्रमुखता मिले, हम पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने का मौका उनको ज्यादा दें। मुझे लगता है कि अब आगे की राह उसी से निकल सकती है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे पठानकोट में आतंकवादी हमले की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।